वेलकम टू रोशे हयात किचन। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई। ये एक पंजाब की बहुत टेस्टी डिश है, तो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं प्लीज़ उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 250 ग्राम्स मेथी ली है। इसको एक पत्ते मैंने तोड़ के अच्छे से वॉश कर लिया और फिर मैंने इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 कप मैंने यहाँ मटर लिए हैं पीस, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। 3 टेबल स्पून ऑयल है। 1 कप मलाई यूज़ की है मैंने। 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है। 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है। 1/2 टेबल स्पून शुगर ली है। 1/2 टेबल स्पून क्यूमन सीड्स है। ये सॉल्ट है, इसे मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से ऐड करिए आप। ये गरम मसाला पाउडर है 1/2 टेबल स्पून। ये रेड चिली पाउडर है, इसको भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। वैसे यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है ये। और 1 पिंच मैंने यहाँ पर हींग ली है। ये मसाला बनाने के लिए लिया है, मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। मैं ये 3 मैंने टमाटर ले लिए हैं। 1 लार्ज ऑनियंस लिए हैं मैंने। 8 से 10 काजू लिए हैं। 5 मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं। और यहाँ 2 मैंने ग्रीन चिली ली है। इन सबको मैं ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे ग्राइंड किया है। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे, इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसमें हम जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसे हमें हल्के से भूनना है। इसके बाद हम ये मसाला इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे, चिली पाउडर, सॉल्ट एंड धनिया पाउडर। इस मसाले को हम भूनेंगे। इस मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाए। ये देखिए ये मसाला हमारा भुनना है, ऑयल भी थोड़ा थोड़ा सरफेस पे आने लगा है। अब हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मेथी मैंने इसमें मिला दी है। अब इसके लिड लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें कुक करना है जब तक मेथी अच्छी तरह गल नहीं जाए। देखिए मेथी हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें ये मटर के दाने ऐड करेंगे और उसे मिक्स करेंगे। गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इसमें ये मलाई ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए मलाई हमने इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें शुगर ऐड करेंगे, उसे 1 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए इसे पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और ये मेथी मटर मलाई हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए मेथी मटर मलाई हमारी बिल्कुल तैयार है, इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। प्लीज़ इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। और आपको ये डिश हमारी पसंद आए तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।